कैसा होगा नागार्जुन अक्किनेनी का फिल्म में कैरेक्टर? नागार्जुन होंगे किस युग से, मॉडर्न या फिर हिस्टोरिकल? इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ किस फिल्म में काम कर चुके हैं नागार्जुन? नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र बस कुछ महीनों में ही थिएटर्स पर दस्तक देने को तैयार है। इस फिल्म में वैसे तो सभी कैरेक्टर बहुत खास होने वाले हैं, लेकिन उसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र के साथ नजर आ सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागार्जुन अक्किनेनी की, जो इस फिल्म में एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो पुरानी कहानियों या हिस्टोरिकल जगहों पर रिसर्च करते हैं। अब दोस्तों, जबकि इस फिल्म में आपको दो युगों की कहानी दिखाई जाएगी, तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि नागार्जुन किस युग की स्टोरी में नजर आएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि नागार्जुन दोनों ही युगों में एक स्पेशल रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं। जैसे मॉडर्न एज में एक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर, तो वहीं हिस्टोरिकल टाइम में रणबीर कपूर के सपोर्टर बनकर, जो उनको उस वक्त एडवाइस देंगे जब रणबीर को कहानी की गुत्थी सुलझाने में कहीं दिक्कत होगी। वैसे एक बहुत लंबे वक्त बाद नागार्जुन अक्किनेनी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी बार उन दोनों ने फिल्म खुदा गवाह में एक साथ काम किया था, जिसे रिलीज हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। बाकी तो आगे देखना दिलचस्प होने वाला है कि इतने सालों बाद नागार्जुन और अमिताभ बच्चन को एक फिल्म स्क्रीन पर देखकर ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है। आगे बात करें फिल्म की रिलीज की, तो ब्रह्मास्त्र इस साल 9 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है और ये फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनकर तैयार हुई है। इस फिल्म को बनाने में काफी वक्त भी लगा है। नागार्जुन अक्किनेनी के साथ फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। साथ ही बताते चले कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी फिल्म है, जिसका मतलब है कि फिल्म को 3 पार्ट्स में बनाया जाएगा, जिसे 3D फॉर्मेट में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।